नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं फरीन अंसारी। कृषि कानून के खिलाफ पिछले दो महीने से भी ज्यादा समय से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के बाद किसान आंदोलन पर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके बाद अब किसानों ने इस आंदोलन को और धार देने की कोशिश कर दी है। किसान और सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हुई। किसान अभी भी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि कानून को किसी भी तरह से वापस ले लिया जाए, लेकिन सरकार भी इसमें संशोधन के सिवा कुछ करने को तैयार नहीं है। तो वहीं अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा कई और राज्यों के किसानों ने भी देश भर में चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। चक्का जाम आज दोपहर 12 बजे शुरू हो चुका है और 3 बजे 1 मिनट के लिए वाहनों के हॉर्न बजाकर खत्म किया जाएगा। हालांकि इस दौरान एम्बुलेंस और स्कूल बस जैसी आवश्यक सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। इसके समर्थन में कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां आ गई हैं। तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद और आईटीओ सहित दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं और 50,000 सुरक्षा बल भी तैनात किए गए हैं। ड्रोन की मदद से भी संदिग्ध इलाकों पर नजर रखी जा रही है और सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी पुलिस की पूरी नजर है। आपको बता दें कि कृषि कानून की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की गारंटी की मांग को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर काफी समय से जमे हुए हैं, लेकिन अब ये आंदोलन और तेज होता जा रहा है। देश के साथ ही कई विदेशी हस्तियां भी इस आंदोलन का बढ़ चढ़कर साथ दे रही हैं। आपको बता दें, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इस कानून का विरोध करने वालों से आज चक्का जाम में हिस्सा लेने का आह्वान किया है। इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार को ये गलतफहमी है कि केवल पंजाब पे ही आंदोलन हो रहा है, पूरे देश में बढ़ चढ़ कर इसका विरोध किया जा रहा है। सभी राज्यों के किसान धरना स्थलों पर बैठे हुए हैं। अगर वो आंख बंद करके ये दावा करना चाहते हैं कि केवल पंजाब ही विरोध कर रहा है, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको बता दें, 26 जनवरी को जो लाल किले पर हिंसा हुई है, उसके बाद अब इस आंदोलन पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि किसान साफ तौर पर सरकार को ही इसका जिम्मेदार मान रही है, लेकिन आज देश भर में हो रहे चक्का जाम के बाद सरकार और किसान के बीच किसी तरह का कोई समझौता हो पाएगा ये आंदोलन अभी और लंबा चलने वाला है। ये जानने के लिए देखते रहिए मोबाइल न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऑल ऑप्शन को भी प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके हर खबर से अपडेट।